तो हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है नवाब और आप देख रहे हो स्टारशिप चैनल। तो कैसे हो आप लोग, उम्मीद करता हूँ बढ़िया हो गए। तो यार इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कौन से बंडल हमारे पास मैजिक क्यूब में आने वाले हैं। तो मैजिक क्यूब अपडेट होने वाला है, हर सर्वर पे अपडेट आ चुका है। तो हमारे सर्वर में कौन से बंडल आएंगे उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो इसके बारे में मैंने एक पहले भी वीडियो बनाया है जिसमें मैंने काफ़ी चीज़ें दिखाई हैं, कुछ अपडेट बताए हैं। उसके अलावा अब बताऊंगा कि कौन से बंडल हमारे पास आएंगे, चांसेस ज़्यादा हैं। तो यार वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक गुजारिश है कि अगर वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर दो और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू। और चलते हैं अपने स्क्रीन पर। तो यार देख सकते हो हम अपनी स्क्रीन पर आ चुके हैं और यहाँ पे देख सकते हो ये शॉटगन भी वापस आने वाला है जिसके काफ़ी चांसेस आ चुके हैं और काफ़ी तरह के इसके मतलब देखने को मिल रहे हैं। तो शॉटगन में यहाँ पे तो स्किल नहीं दिखाई देते कि एबिलिटी क्या है, लेकिन मैंने दो सर्वर में ये देखा है कि यहाँ दो सर्वर में आ चुका है। उसके अलावा यहाँ पर कुछ और भी अपडेट हैं जो देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो मेन मकसद है उस पर चलते हैं। तो मेन मकसद हमारा जो है वो है मैजिक क्यूब का। तो यार मैजिक क्यूब पे जाने के लिए तो यहाँ पे देख सकते हो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा ये बंडल है जो कि काफ़ी ओपी है लुक में, और ये डायमंड रॉयल में मेरे ख्याल से पहले आ चुका है। तो यहाँ पे देख सकते हो फेनोक्स बैड नाइट बंडल है, तो उसका देख सकते हो बंडल काफ़ी ओपी है। उसके अलावा यहाँ पे देख सकते हो ये है हमारा चोको बूस्टर बंडल, तो यहाँ पे इसका शर्ट ये भी मैजिक क्यूब में आ रहे हैं। तो काफ़ी चांसेस हैं कि ये हमारे सर्वर में आएंगे। उसके अलावा यहाँ पे वार है समोवार ऐसा टाइप काम वार है सॉरी, तो यहाँ पे देख सकते हो ये भी आ सकता है हमारे सर्वर पे क्योंकि इनकी चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और यहाँ पे देख सकते हो ये डॉक्टर का बंडल है जो डायमंड रॉयल में आ चुका था हमारे सर्वर पर, तो इसका भी आने का चांसेस हैं। उसके अलावा ये पुराने वाले हैं जो हमारे पास आ चुके हैं, ये तो नहीं आया था, ये आ चुके हैं पुराने। तो इनमें तो बाकी इतने ही थे, इसके अलावा अभी कुछ नहीं है। और दिखाता हूँ इसके अलावा भी एक सर्वर है लेकिन उस सर्वर की चांसेस बहुत ही कम है क्योंकि उसमें ऐसी चीज़ें हैं जो देखने से बहुत ही मुश्किल लगता है कि यहाँ पे ये आएंगे। तो उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो माइस्ट्री शॉप, तो माइस्ट्री शॉप तो यहाँ पे आ चुका है और बाकी सर्वर में भी आ चुका है, तो कन्फर्म हमारे पास भी आएगा। और इसमें देख सकते हो ये ओपी सा एमोड भी, तो यार काफ़ी चांसेस हैं ये हमारे सर्वर पर आएँ, पर मुझे नहीं लगता कि हमें इतने सस्ते में पड़ेंगे क्योंकि इसके अलावा मुझे तो यार चलते हैं अपने दूसरे सर्वर पे, वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पे मैजिक क्यूब में क्या आ रहा है क्या नहीं। तो उस पे भी देखते हैं, अगर हमारे पास वो आते हैं तो वो और भी बेटर है, लेकिन इनके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि ये डायमंड रॉयल बंडल हैं और हर बार की तरह हमारे सर्वर में भी यही होता आ रहा है। तो यहाँ पर ये दूसरा सर्वर है जो है वियतनाम, और यहाँ पर भी मैजिक क्यूब में अपडेट आ चुका है। तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पे ये पुराना वाला बंडल भी पड़ा हुआ है और ये आए ना आए इसका नहीं पता क्योंकि ये आ चुका है ऑलरेडी। उसके अलावा ये तो हमारे पास नहीं आएगा क्योंकि ये सबसे रेयर बंडल है, और यहाँ पे ये इलेक्ट्रो बंडल है जो काफ़ी महंगा चल रहा है, तो मुश्किल है, मुझे नहीं लगता ये भी आएंगे, लेकिन चांसेस बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि वियतनाम सर्वर में जो चीज़ आता है वो हमारे पास हमेशा आता आ रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये रहे हमारे इवेंट के कुछ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ पे जो इवेंट का लैंग्वेज है वो काफ़ी अजीब है। उसके अलावा यहाँ पे स्पिन रॉयल है ये इवेंट जिसमें तुम स्पिन करके यहाँ से ये चीज़ें ले सकते हो। तो यहाँ पे आल बंडल